तुम्हारी कौम में कोई बुज़ुर्ग नहीं है उन्होंने कहा हमारी कौम में एक बुज़ुर्ग है वो जंगल में जाके अल्लाह अल्लाह करता है बस इतना बड़ा बुजुर्ग है कि वो सारी दुनिया छोड़ दी उसने तो वो टीवी वी का एंकर था उसने कहा कि मैं जाके के उसे इंटरव्यू लेता हूँ तो जाके उसे इंटरव्यू लिया कि भाई तुम सुना है कि तुम बहुत बड़े अल्लाह वाले हो तुम जंगल में अकेले रहते हो उसने कहा हाँ भाई हम जंगल में अकेले रहते हैं हैरत की बात है भाई यहाँ क्यों रहते हो भाई ये दुनिया से मैंने जान छुड़ा ली है दुनिया कुछ भी नहीं अल्लाह अल्लाह करता हूँ पूछा कि भाई तो तुम्हें यहाँ जंगलों में जानवरों से डर नहीं लगता उसने कहा हमको अल्लाह से डर नहीं लगता इन जानवरों से कहा डर लगेगा आजकल इस किस्म के भी बुज़ुर्ग मार्केट में ये सिर्फ लतीफ़ा बरए लतीफ़ा नहीं है नमाज की पाबंदी नहीं हो रही है, है भाई जो आदमी नमाज की पाबंदी नहीं करता इसका मतलब वो अल्लाह से बोलो ना भाई नहीं डरता हलाल और हराम की परवाह नहीं है झूठ बोल रहे हैं और मालूम नहीं क्या क्या हो रहा है अभी मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आजकल वैसे ही आमिलीन ने मेरे खिलाफ एक महाज बनाया हुआ है तो अल्लाह का खौफ नहीं है लेकिन फिर भी क्या है बुज़ुर्ग हैं तो हमारे यहाँ अजीब सी तारीफ़ हो गई है बुज़ुर्ग की कि बस जो ज़रा एक हुलिया देखा जाता है उसका गेटअप देखा जाता है भाई बुज़ुर्ग का मतलब ये है कि फ़राइज वाजिबात पूरे करता हो और घर वालों के हकूक़ भी बोलो भाई पूरे कर दो घर में आए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बीवी बच्चों को टाइम दे नहीं आ रही मेरा खल है बात बीवी बच्चों को टाइम दे और उनके पूरे हकूक़ अदा करे रिश्तेदारों को टाइम दे उनसे तमीज़ से मिले सही है ना <laughs> बेरोजगार हो के घर में पड़ा ना रहे हदिए नजरानों के चक्कर में कि बस आते रहेंगे तो खाता रहूँगा खा खा के फट जाए धमाके के साथ एक दिन तो चल भी सकता हो दौड़ भी सकता हो चलो दौड़ना तो आजकल मुश्किल काम है कम से कम चल सकता हो अल्लाह ने कोई बीमारी मुसलत कर दी तो अला के अपनी सुस्ती की वजह से अगर कोई चलने के काबिल नहीं है तो वह बुज़ुर्ग हमारे उस्ताज ने बताया कि हम एक बुज़ुर्ग इसी तरह दो नंबर बुजुर्ग के पास गए वो बड़ा पीर था गांव में का खा खा के इतना मोटा हो गया था कि बस मैं नहीं बता सकता बस आप ये समझें कि उसको माजरत के साथ अफसोस के साथ कहना पड़ता है एक थोड़ी सी नाजीबा बात है गैस पास करने के लिए इंग्लिश में इसलिए कह रहा हूँ ताकि जितनी तहजीब से बात हो सकती हो बाकायदा मुरीद एक पोर्शन उठाते थे उसका ठीक है ना इस फिर गैस खारिज होती थी इतना वजन बढ़ चुका था खा एक तो वजन बीमारी से बढ़ता है कुछ नेचुरल कुदरत की तरफ से वजन ज्यादा कुछ बड़े बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा था, ज्यादा था हालांकि वो खाते नहीं थे मैं उस की बात कर रहा हूं जो सुस्ती और हराम खोरी की वजह से बढ़ गया हो ऐसा वजन बढ़ना इस्लाम में पसंदीदा नहीं है तो उसको भी लोग क्या समझते हैं बुजुर्ग के हिल ही नहीं सकते इतने नेक हैं कि ये और जो फुर्ती से चल रहा है इधर जा रहा उधर जा रहा है उसको देखो ये क्या है ये कोई बुजुर्ग है तो पता नहीं क्या दिमाग में तसवर बिठा लिया दीनदारी का अल्लाह के बंदो साहबा की जिंदगी देखो कैसे चुस्त थे अभी हम दोबारा एक डिजिटल खानका करवाने वाले हैं सर्दियों में आपको समंदर में इनशाला लेके जाएंगे और भगाएंगे जिसने मेरे पास आके बुजुर्ग बनना है उसको सुबह चार बजे उठ के जॉगिंग बोलो अगर वो जवान है तो सुबह चार बजे उसके बाप को भी माजरत के साथ जॉगिंग करनी पड़ेगी मैंने एक दफ़ा ख़ानका रशीद में करवाई है मैं कोई नेक आदमी नहीं हूँ इतना अल्लाह ने पत्तारी का मामला किया हुआ है तो उसमें हमने तीन दिन की खानका चलाई थी और मेरी नीयत अपनी असलाह भी होती है ये जहन में मैंने पहले उन तमाम अपने मुरीदों को जो थे उनको बता दिया कि ये पीर और मुरीद सब इसमें बराबर हैं पीर का दर्जा वैसे तो ज़्यादा होता है ना मैंने कहा ये इस खान की इसको आप बिदत कह लें या कुछ भी कह लें नई खानका की हम बुनियाद रख रहे हैं उसमें जो पीर का मकाम है वही किसका मकाम है मुरीदीन का भी अब सवाल में फिर तुम पीर किस बात के तो भाई हम जिम्मेदार हैं अमीर हैं भाई जब भी एक, एक जमात होती है तो एक अमीर होता है ना तो हम इस लिहाज से अपने आप को पीर के क्योंकि पीर नहीं कहूंगा तो फिर मानेंगे नहीं लोग अमीर की नहीं मानते पीर की मान लेते हैं लोग जब जिसको पीर नहीं मानते ना उसकी मानते नहीं है तो इसलिए मैंने कहा फर्ज यही करें कि मैं क्या हूं पीर हूं बाकी मैंने कहा मैं ये खानक अपनी इसलाह भी होगी और आपकी भी होगी अब वो समझ गए कि अब इस में अब हमें ये ये मुराकबा होगा फिर मुहासबा होगा मैंने कहा किसी ने मुराकबा मुहासबा किया मुझसे <laughs> पूछे बग़ैर अच्छा नहीं होगा ठीक है ना ये होगा कि आपने सुबह चार बजे उठना है और जामे के करीब एक ग्राउंड है बहुत बड़ा ग्राउंड है उसमें तलबा फुटबॉल खेलते हैं उस ग्राउंड में आपको सुबह चार बजे जॉगिंग करनी पड़ेगी मैं भी करूँगा आपके साथ मैं अपनी असलाह के लिए कि ताकि मुझे भी तो ज़रूरत है ना कि भाई हो तो कह रहे हैं ये कौन सी असलाह हो रही है सुबह जॉगिंग असलाह तो ये होती है गुनाहों के खिलाफ बयान तो बद नजरी के खिलाफ बयान मैंने कहा जब तमीज़ की ज़िंदगी गुजारोगे ना जब तमीज़ की ज़िंदगी गुजारोगे तो गुना भी इन बोलो भाई छूटेंगे जो पोस्तियों की तरह तीन तीन बजे सोता है बारह बजे उठता है तो वो नहीं गुना छोड़ता समझ रहे हो वो बहुत मुश्किल होता है तमीज़ की जिंदगी होगी तो खुद खुद इनशाला गुनाहों से अल्लाह बचे